कि लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं हम लड़कियों से भी। हम लड़कियां जो होती हैं वो लिपस्टिक की वजह से पकड़ी जाती है, अदरवाइज अगर हम लोग लिपस्टिक लगाना छोड़ दें ना तो हम लड़कों जैसी ही बन जाएं और लड़के हमारे जैसे बन। सॉरी जरवा चैनल को मेरा सैल्यूट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा, ज़ारा मलिक मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, आप बताइए आप कैसे? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा ज़ारा मलिक, मुझे बताइएगा कि हर इंसान को ना शौक़ होता है, किसी को डॉक्टर बनने का शौक़ है, किसी को मॉडल बनने का शौक़ है, किसी को इंजीनियर बनने का शौक़ है, तो आपको कब रियलाइज़ हुआ अपनी लाइफ में कि मैं सिर्फ एक्टिंग के लिए बनी हूँ, मुझे अपनी लाइफ में एक्टिंग करनी है और मॉडलिंग करनी है? एक्चुअली अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे बचपन से ही शौक था, जब मुझे पता भी नहीं था कि इस चीज़ को मॉडलिंग और एक्टिंग बोला जाता है, और जैसे ही मैं बड़ी हुई अपने पाँव पे खड़ी हुई और मैंने अपने शौक को पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको जब आइडिया हुआ कि मुझे प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहिए, तो क्या रिएक्शन था लोगों का? कौन कौन सपोर्ट करता था मोस्टली? कुछ होते हैं ना, कुछ लकी पर्सन होते हैं इंसान के लाइफ में, कोई माँ की शक्ल में आता है, कोई बाप की शक्ल में आता है, कोई दोस्त की शक्ल में आता है, कोई कोलीग कोई दोस्त की शक्ल में आता है, तो आपका लकीस्ट पर्सन कौन है लाइफ में? मेरा लकी पर्सन जिन्होंने मेरा सबसे पहला शूट किया अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह थे, कासिम जैदी साहब थे, उन्होंने मुझे एज ए मॉडल फर्स्ट टाइम पर लॉन्च किया था फोर्ट धागे बोटीक, और उसके बाद माशाल्लाह से मुझे काफ़ी सारे काम मिले। मैंने सेकंड शूट जो किया वो क्यूने का किया था ब्राइडल, और फिर उसके बाद माशाल्लाह से मुझे काम मिलना शुरू। अच्छा ज़ारा बताइएगा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने माशाल्लाह काम किए हैं, आप उनके साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से काम किया है, मॉडलिंग की है, तो आज हमारे साथ खड़े होकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए बहुत अच्छा लगा। बस कोई भी नई चीज़ बनती है तो मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करती हूँ, और मुझे आप लोगों को भी यहाँ पे देख के बहुत खुशी हुई कि आप लोग भी यहाँ पे आए, इनकी खुशियों में शामिल हुए, और अप्रिशिएट करूँगी मैं आपकी टीम को, आपके चैनल को, कि आप लोग यहाँ पे आके इनकी सारी खुशियों में शामिल हुए और इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा ज़ारा बताइएगा काइंडली कि ये खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज एक्चुअली पानी ज़्यादा पीती हूँ और डाइट। हम भी पीते हैं, यकीन करें हमारा मैदा गर्म हो जाता है। ये क्या मसला है, आपको ही पानी लगता है, हमें क्यों नहीं लगता? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, आपकी स्किन अच्छी दिखेगी तो ऑब्वियसली आप स्क्रीन पर अच्छे आएंगे, मेन चीज़ आपकी स्किन है, बाकी फीचर्स तो अल्लाह पाक ने जैसे आपके बना दिए वैसे ही रहने, और उसमें कुछ हद तक मेकअप का भी कमाल होता है। 40-50 तो नहीं ना मेकअप कर सकते, आई लाइनर वगैरह कुछ लिपस्टिक लगाए हम, आजकल तो लड़के भी कम नहीं है, आज आपको पता है इंडस्ट्री में लड़के भी ऐसी मार्केटिंग आ रही है ना, ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही है, आप तो माशाल्लाह इस फील्ड में, आपको तो ज़्यादा इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, आप यही कह रहे थे कि हम लड़कियाँ मेकअप नहीं कर सकते, तो मैं यही कहने वाली थी कि आई थिंक लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं हम लड़कियों से भी, बट उनका मेकअप न्यूड होता है वो हमें नज़र नहीं आता। हम लड़कियां जो होती हैं वो लिपस्टिक की वजह से पकड़ी जाती है, अदरवाइज अगर हम लोग लिपस्टिक लगाना छोड़ देना तो हम लड़कों जैसी ही बन जाएं और लड़के हमारे जैसे बन जाएं। ओए ओए, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। आगे बॉलीवुड में जाने का आपका प्लान है अगर आपको ऑफर आए तो? नहीं, पाकिस्तान। मैं अपना नाम पाकिस्तान में ही रह के बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जितनी भी मुझे इज्जत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी शोहरत मिली वो पाकिस्तान से मिली, और इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। ज़ारा बताइएगा, पाकिस्तान की कोई ऐसी एक्ट्रेस बताएं जिसको देखकर आप कहते हैं कि यार इससे तो अच्छी मैं एक्टिंग कर लेती हूँ? ऐसी एक्चुअली वैसे तो मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगी, आई एम नॉट कम्प्लीट एक्ट्रेस, बिकॉज मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है। इंसान एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो आप पूरी लाइफ सीखते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम नहीं आता जहाँ पे आके आप कह दें कि आई एम कम्प्लीट। बहुत सारे ऐसे रोल होते हैं जो आपने लाइफ में नहीं किए होते और वो आपको करने होते हैं, आपको वो जो अल्फाज होते हैं उनकी अदायगी प्रॉपरली नहीं आ रही होती, आपके फेस एक्सप्रेशन आपका उस तरह से साथ नहीं दे रहे होते, तो ऐसी कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है जिसको मैं ये बोलूँ कि अभी तक उसको मतलब मुझसे अच्छी एक्टिंग, मैं उससे अच्छी कर लेती हूँ। अच्छा ज़ारा बताइएगा, मोस्टली लोग ना जो जुक्तबाज होता है, जो कॉमेडियन होता है, फैंस मिलते हैं कहते हैं कि भाईजान हमें थोड़ी सी कॉमेडी या चुटकुला सुना दे, कोई सिंगर होता है फैन मिलते हैं भाईजान हमें यह गाना सुना दे, आप माशाल्लाह मॉडल है और एक्टर है, एक्ट्रेस है सॉरी, तो आपको फैंस मिलते हैं, आपका मूड नहीं होता, फैंस आके कहते हैं ज़रा मुझे यह ज़रा एक्टिंग करके दिखा दे, तो कैसा लगता है आपको? मोस्टली जो फैंस मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं कि हमारे साथ वीडियो बना लें या सेल्फी वगैरह, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कोई मिला नहीं है कि जिन्होंने ये बोला हो। वैसे मैं बहुत झोली हूँ, वो ना भी बोले मैं खुद ही कुछ ना कुछ सुना देती हूँ,
और कुछ और ना मिले तो खरी खरी भी सुना देती हूँ कभी कभी। तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए आप? बस आपकी टीम को सैल्यूट है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। लाहौरी जरवा चैनल को मेरा सैल्यूट जो इस खुशियों में शरीक हुए यहाँ पे आए, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरव्यू करके। इंशाल्लाह फिर भी मिलते रहेंगे, और नए जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ इतना सा मैसेज है कि प्लीज़ इस फील्ड में शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत करें और मेहनत से अपना नाम बनाएं, आपको उसकी कदर होगी। बहुत अच्छा लगा ज़ारा मैम से बात करके। जी तो नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फहद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।